नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पार्ट एक पार्ट दो हो गया ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट तीन। पार्ट तीन का नाम क्या है? चूहे की टोपियां। चूहे की टोपियां। अब नाम देखने से ही लग रहा है ना कि कहानी बहुत ही मजेदार होगा। हाँ, तो आप लोगों को मजा आ रहा है कहानी पढ़ने में? आ ही रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान टेक्स्ट बुक अपने सामने रख लीजिए, यानी हिंदी की किताब। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनोगे कि आपकी अध्यापिका जी क्या, किस तरह से कौन से शब्द का उच्चारण कर रही है, तभी आपको पढ़ने के लिए आएगा, है ना? आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। चलिए, एक चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। एक चूहा है जो कि किसान के घर में खाने के लिए अनाज ढूंढ रहा है। अनाज मतलब क्या होता है? अनाज यानी फूड ग्रेन, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी, गेहूं हो, चावल हो, धान, कुछ भी उसे मिल जाए तो वो उसे चक्कर जाए। चूहा किसान, सबसे पहला क्या हो जाएगा? किसान, जिसे कि हम लोग फार्मर बोलते हैं, है ना? वो अनाज ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है बच्चों? अनाज। अनाज यानी क्या होता है? ग्रेन। तभी उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। तभी उसको क्या मिला? कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। तभी उसे क्या मिल गया बच्चों? टुकड़ा मिला, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। चूहा कपड़ा लेकर एक दर्जी के पास गया। चूहा क्या किया? उस कपड़े को लिया और किसके पास गया? दर्जी के पास गया। दर्जी, दर्जी के पास गया। वह दर्जी से बोला, दर्जी भाई, क्या आप इस कपड़े से मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दोगे? अब वो कहता है कि दर्जी भाई, क्या इस कपड़े से आप मेरे लिए एक छोटी टोपी सिल दोगे, सुंदर सी? दर्जी कहता है, हाँ मैं टोपी सिल दूंगा, तुम कपड़ा छोड़ जाओ। दर्जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी टोपी सिल दूंगा, तुम अपना कपड़ा यही छोड़ दो। अब आप जाओगे टेलर मास्टर के पास अपना कपड़ा सिलवाने के लिए, तो क्या आप कपड़ा लेके आ जाओगे? नहीं ना, कपड़ा उसको दे दोगे फिर आ जाओगे। अगर आपको कपड़ा मालूम नहीं है कि कितना कपड़ा है और आप गए, तो टेलर मास्टर खुद बोल देता है ना कि आपका अगर ज्यादा कपड़ा है वापस दे देंगे, ये कर देता है, या कम है नहीं होगा। तो चूहा उसी तरह से उस दर्जी के पास जाकर कहता है कि आप इस कपड़े का सुंदर सी टोपी बनाकर मुझे दे दो, सिल के दे दो, सिल सिलकर, सिलकर, सिलकर मुझे दे दो। तो कहता है ठीक है, तुम कपड़ा ये छोड़ के चले जाओ, मैं सिल दूंगा। चूहा जो था वह दर्जी के पास कपड़ा छोड़कर घर आ गया। चूहा क्या किया? दर्जी के पास अपना कपड़ा छोड़ दिया, वापस घर आ गया। घर जब पहुंच गया वो, घर पहुंचकर चूहे को लगा कि उसने दर्जी को ज्यादा कपड़ा दे दिया। उस समय नहीं सोचा, जब वो घर आ गया, घर जब पहुंचा तो पता, अरे लगता है मैं दर्जी को ज्यादा कपड़ा दे के आ गया। ये सोच के वो क्या करता है, उतने कपड़े में तो दो टोपियां सिल जाएगी। अब अपने आप वो सोच रहा है कि उतने कपड़े में एक नहीं दो टोपियां सिल जाएगी। चूहा तेजी से अपने बिल से निकला, वो अपने बिल से निकला और कहाँ चला गया? दर्जी के पास पहुंच गया। चूहा अपने बिल से निकला
और दर्जी के पास पहुंचकर वहां जाकर कहता है, दर्जी भाई क्या आप मेरे कपड़े से मेरे लिए दो टोपियां सिल दोगे। वो कहता है कि दर्जी भाई आप मेरे कपड़े से दो टोपियां सिल दोगे। दर्जी बोला ठीक है मैं दो टोपियां सिल दूंगा। दर्जी कहता है ठीक है जाओ मैं दो टोपी सिल दूंगा। चूहे को फिर से लगा जरूर मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है। उसके मन में लालच आ गया। किसके मन में? चूहे के मन में लालच आ गया। लालच चूहे के मन में लालच आ गया। उसने दर्जी से कहा, दर्जी भाई ऐसा करो आप मेरे लिए तीन टोपियां बना दो। अब वो कहता है कि मेरे लिए एक नहीं दो नहीं तीन, क्या बना दो? टोपियां। आप मेरे लिए तीन टोपियां बना दो। दर्जी को गुस्सा आ गया। वो झुंझलाकर कहता है, अच्छा भाई मैं तुम्हारे लिए तीन टोपियां बना दूंगा। वो गुस्से में आ गया क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था और बार बार ये उसको डिस्टर्ब कर रहा था। कौन? तो चूहा। झुंझलाकर जब उसे बोला तो चूहा फिर से वापस आ गया। चूहा वहां से लौट गया परंतु अभी भी उसके मन में बेचैनी थी। अभी भी उसका मन जो था वह बेचैन था। अभी भी उसे लग रहा था कि उसका कपड़ा ज्यादा, अभी भी उस चूहे को लग रहा है कि मेरा कपड़ा ज्यादा है, दर्जी मुझे ठग रहा है। अभी भी उसका मन जो है वो अशांत है, शांत नहीं हुआ। चूहा वापिस दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई आप मेरी पांच टोपियां बना देना। अब वहां जाके कहता है कि दर्जी भाई मुझे एक दो तीन नहीं, मेरे लिए आप पांच टोपी बना देना। ठीक है, दर्जी ने गुस्से से कहा, ठीक है पांच टोपियां बना दूंगा, कल आकर टोपियां ले जाना। दर्जी गुस्से से कहता है, चलो ठीक है मैं पांच टोपी बना दूंगा, तुम कल आकर ले जाना। अगले दिन चूहा जो था अपनी टोपियां लेने दर्जी के पास पहुंचा। अगले दिन चूहा क्या किया, अपनी टोपी लेने के लिए दर्जी के पास पहुंचा। उसने दर्जी से अपनी टोपियां मांगी। दर्जी ने उसके हाथ की पांचों उंगलियों में पांच छोटी छोटी टोपियां पहना दी। चूहा हैरानी से देखता रह गया। दर्जी ने उसे, अब देखो दर्जी उसे क्या करता है, अच्छा सबक सिखा दिया। दर्जी ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। सबक क्यों? क्योंकि दर्जी को वो परेशान कर रहे, एक छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा था। अब चूहा बार बार कह रहा है, पहले बोला एक, फिर बोला दो, फिर बोला तीन, फिर बोला पांच। अब छोटे से टुकड़े में उसकी पांच टोपी कहां से बनती? इसलिए दर्जी को गुस्सा आ गया। उसने क्या किया कि उसने पांच टोपी तो बनाई लेकिन उंगलियों में पहनने के लिए जब चूहा मांगने के लिए आया तो उसने क्या किया, उसके पांचों उंगली में एक एक टोपी पहना दिया। बोला जाओ। अब इसमें मॉरल वैल्यू क्या है? द मॉरल ऑफ द लेसन इज दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन अगेन एंड अगेन इन दिस वर्क। जब कोई काम करता हो तो हमें बार बार उसे परेशान नहीं करना चाहिए। डूइंग दिस में स्पॉइल थिंग्स। In this story, a little mouse wanted the tailor to make his cap, but for this, he started disturbing the tailor again and again. So the tailor got frustrated and made five little caps for the fingers of the mouse. The mouse was shocked to see five little caps. अगर बार-बार आप परेशान करोगे किसी को भी, तो आपका काम जो होने वाला रहेगा वो भी नहीं होगा। आप खुद से अपने ही, आपका जो वर्क है, जो काम है, आपका काम था कि आपने टेलर मास्टर को जाकर कपड़े दे दिया। टेलर मास्टर को मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन आपको क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है? आपको लग रहा है नहीं शायद मैंने ज्यादा दे दिया,
ऐसा नहीं था। चूहे ने भी ऐसी ही गलती की, उसे लगा कि मैंने कपड़ा ज्यादा दे दिया। अब इसमें शब्दार्थ है, चूहा यानी मूसक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैट। दूसरा क्या है, अनाज, इसका एक और मीनिंग क्या होगा, अन्न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेन। तीसरा है दर्जी यानी कपड़े सिलने वाला, दर्जी यानी कपड़े सिलने वाला, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेलर। बिल, चूहे के रहने का स्थान, बिल यानी चूहे के रहने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल। फिर है बेचैनी यानी परेशानी, बेचैनी यानी परेशानी। फिर है उंगलियां यानी उंगलियां। किसान, खेतों में काम करने वाला, किसान खेतों में काम करने वाला, फार्मर। कपड़े यानी वस्त्र, क्लॉथ, टोपी, सिर पर पहनने का वस्त्र, कैप। फिर है गुस्सा, क्रोध, एंगर, झुंझलाकर यानी परेशान होकर, हैरानी यानी आश्चर्य। आप लोगों को इस पाठ से क्या सीख मिली, इस पाठ से आप लोगों को क्या सीख मिली? हाँ, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी ज्यादा बार बार परेशान नहीं, एक बार आपने बोल दिया, बार बार अगर उसी चीज को दोहराते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। वहां पर अगर मेरे मम्मी डैडी ही क्यों ना रहे, उनको भी अगर मैं इस तरह से बार बार एक ही चीज उनके सामने दोहराऊं, उन्हें भी गुस्सा आ जाएगा। वो तो दर्जी था, है ना, वो तो दूसरा आदमी था, तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? अगर हमें काम करवाना है किसी से तो एक बार उसको बोल दिए, बार बार अगर उसे उस काम की याद दिलाते हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जैसे कि चूहे ने दर्जी के साथ किया, चूहे ने क्या किया दर्जी के साथ, तो उसने किया कि एक छोटे से टुकड़े को जाकर दिया, पहले बोलता है एक टोपी सिलने, उसके दिमाग में है कि नहीं शायद कपड़ा ज्यादा, इसलिए दर्जी कुछ नहीं बोला, तो वो जाके फिर दे दिए, बोला दो टोपी। घर आके उसे लगा अभी भी दर्जी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है उसके मन में लालच आ गया, मेरा कपड़ा ज्यादा है, वो जाके बोला तीन। फिर घर आके सोचा तो अब एक दो तीन के बाद चार की बारी थी, तो उसने चार नहीं बोल के सीधा बोल दिया पांच। दर्जी भी बहुत होशियार था, उसने क्या किया, उसके पांचों उंगली के लिए एक 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 टोपी बना कर दी। दूसरे दिन जब चूहा गया लेने के लिए, तो उसने क्या किया, वो पांचों उसकी उंगली में पहना दिया। चूहा देखता ही रह गया, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको इच्छा हो, 1 2 3 ये तीन में से कोई भी एक चित्र ड्रॉ कीजिएगा, 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी एक आपको मन है तो एक चूहे का भी कर सकते हो कपड़े के साथ, है ना। यहाँ जैसे ये टोपी बना हुआ है, टोपी भी रहना ठीक ना। हाँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, पठन से पूर्व एक चूहे को कहीं से एक कपड़ा मिलता है, वह उससे अपने लिए टोपी बनवाना चाहता है, पर बार बार दर्जी को तंग करने के कारण
दर्जी उसे कैसे सबक सिखाता है, आइए इस पाठ के जरिए जानते हैं। एक चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था, तभी उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। चूहा कपड़ा लेकर एक दर्जी के पास गया। वह दर्जी से बोला, दर्जी भाई, क्या आप इस कपड़े से मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दोगे? दर्जी ने कहा, हाँ, मैं टोपी सिल दूंगा, तुम कपड़ा छोड़ जाओ। चूहा दर्जी के पास कपड़ा छोड़कर घर आ गया। घर पहुंचकर चूहे को लगा कि उसने दर्जी को ज्यादा कपड़ा दे दिया है, उतने कपड़े में तो दो टोपियां सिल जाएंगी। चूहा तेजी से अपने बिल से निकला और दर्जी के पास पहुंचकर बोला, दर्जी भाई, क्या आप मेरे कपड़े से मेरे लिए दो टोपियां सिल दोगे? दर्जी बोला, ठीक है, मैं दो टोपियां सिल दूंगा। चूहे को फिर से लगा, जरूर मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने दर्जी से कहा, दर्जी भाई, ऐसा करो, आप मेरे लिए तीन टोपियां बना दो। दर्जी ने झुंझलाकर कहा, अच्छा भाई, मैं तुम्हारे लिए तीन टोपियां बना दूंगा। चूहा वहां से लौट गया, परंतु अभी भी उसके मन में बेचैनी थी। अभी भी उसे लग रहा था कि उसका कपड़ा ज्यादा है। चूहा वापिस दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई, आप मेरी पांच टोपियां बना देना। दर्जी ने गुस्से से कहा, ठीक है, पांच टोपियां बना दूंगा, कल आकर अपनी टोपियां ले जाना। अगले दिन चूहा अपनी टोपियां लेने दर्जी के पास पहुंचा। उसने दर्जी से अपनी टोपियां मांगी। दर्जी ने उसके हाथों की पांचों उंगलियों में पांच छोटी छोटी टोपियां पहना दी। चूहा हैरानी से देखता रह गया। दर्जी ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया था। चलिए अब मैं आप लोगों को एक बार शब्द कठिन शब्द पढ़ाती हूँ, पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक ना? क को छोटी की मात्रा की, स को आ की मात्रा शा, न किसान। क को छोटी की मात्रा की, स को आ की मात्रा शा, न किसान। और न को आ की मात्रा ना, ज अनाज। न को आ की मात्रा ना, ज अनाज। ट को छोटा उ की मात्रा टू, क रा टुकड़ा। ट को छोटा उ की मात्रा टू, क र को आ की मात्रा रा टुकड़ा। द र ज को बड़ी की मात्रा जी, दर्जी। द र ज को बड़ी की मात्रा जी, दर्जी। स को छोटी की मात्रा सी, ल सिल। क र कर सिल कर। स को छोटी की मात्रा सी, ल सिल। क र कर सिल कर। फिर है ब को छोटी की मात्रा बी, ल बिल। ब को छोटी की मात्रा बी, ल बिल। ल को आ की मात्रा ला, ल च लालच। ल को आ की मात्रा ला, ल च लालच। ट को ओ की मात्रा टो, प को छोटी की मात्रा पी, य को आ की मात्रा या, ऊपर चंद्र बिंदु टोपिया। ट को ओ की मात्रा टो, प को छोटी की मात्रा पी, य को आ की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदु या, टोपिया। झ को छोटा उ की मात्रा जू, ऊपर चंद्र बिंदु झू। झ ल को आ की मात्रा ला, क प्र
झुंझलाकर सबक सबक किसान अनाज टुकड़ा दर्जी सिलकर बिल लालच टोपियां झुंझलाकर सबक धन्यवाद बच्चों।